नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूँ शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में वैज्ञानिक एवं अभियंताओं के लिए सम्मेलन का आयोजन। अध्यात्म और विज्ञान के सहयोग से नए विश्व की परिकल्पना पर चर्चा। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शुरू हुआ शांतिवन में बच्चों का महाकुंभ। प्रतिस्पर्धाओं के जरिए मूल्यों की मिलेगी प्रेरणा। उज्जैन सिंहस्थ कुंभ मेले में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम मेले का आयोजन। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग राज्य मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने किया अवलोकन। मध्य प्रदेश के सारंगपुर में किसान सशक्तिकरण स्नेह मिलन समारोह विश्व परिवर्तन के लिए परमात्मा ज्ञान की थीम के अंतर्गत आयोजित। किसानों ने शाश्वत औद्योगिक खेती का लिया संकल्प। हरियाणा तथा गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम के साथ राजयोग को बताया जरूरी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुलिस कर्मियों के लिए तनाव मुक्त जीवन पर कार्यक्रम। तनाव के कारण एवं निवारण के बताए उपाय। और लंदन के ग्लोबल कॉरपोरेशन हाउस में दादी के शतकी जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। लंदन के आध्यात्मिक महिलाओं को किया गया सम्मानित। चीन दौरे पर संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने भारतीय दूतावास के चीफ मिशन के मंत्री से मुलाकात कर संस्था के गतिविधियों की दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्म कुमारी संस्था के ज्ञान सरोवर में अध्यात्म और विज्ञान के सामंजस्य से बेहतर विश्व की परिकल्पना के साथ वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रेफर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश गोयल, प्रभाग के अध्यक्ष बीके सरला, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके मोहन सिंघल, मुलुंड जोन के प्रभारी बीके गोदावरी, शांतिवन के अभियंता बीके भरत समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। भारतवासी जाग उठो, अब सुनो प्रकृति की पुकार। अब ना छेड़ो, बहुत हो गया, जल रहा है ये संसार। सम्मेलन में अभियंताओं एवं वैज्ञानिकों से चर्चा करते हुए वक्ताओं ने आह्वान किया कि अब समय आ गया है कि अध्यात्म और विज्ञान का सामंजस्य स्थापित करके नए विश्व की सोच को साकार करने का प्रयास किया जाए। हम नेचर से उतने ही रिसोर्सेज लें जितने की नॉर्मली रिप्रोड्यूस हो सके नेचर के द्वारा। उससे ज्यादा लेंगे तो हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नेचर के साथ रहना है, नेचर के साथ रहिए, सब खुश रहेंगे। नेचर ने सबके लिए सब कुछ दिया है। जहां हम नेचर से खिलवाड़ करेंगे वहां रहना मुश्किल है। आई वुड लाइक टू टेल इट इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी द मोस्ट एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल एंड दैट इज द ओनली वे द एजुकेशन अल्टीमेटली इज द रूट कॉज और फॉर द प्रॉस्पेरिटी। व्हेन वी कॉल द सेलिब्रेटिंग द नेचर इट इज ऑब्वियसली द नेचर विल प्रॉस्पर इफ वी प्रॉस्पर। इसके साथ ही सम्मेलन में लोगों ने राजयोग और योग की भूमिका को भी विज्ञान के साथ पूरक बनाने के लिए जोर देते हुए अनिवार्य करने का सुझाव दिया। अगर मनुष्य जीवन के अंदर विज्ञान के साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान भी अगर जुड़ जाता है तो प्रकृति का तत्व अभी जो पतित है वो पावन जरूर बनेगा ही। और ये सृष्टि अभी जो नर्क सी दिखाई दे रही है, दो जख हो गई है, जो जीवन कौड़ी तुल्य बन गया है, यही जीवन फिर से हमारा हीरे तुल्य बन सकता है। इंटरनल ह्यूमन नेचर आत्मा से संबंधित, एक ये एक्सटर्नल नेचर बाहर से संबंधित, और दोनों का जब आपस में एक बहुत हार्मनी हो जाती है तो जीवन एक सेलिब्रेशन हो जाता है। सबसे बड़ी से बड़ी हार्मनी है अवर इंटरनल हार्मनी विद द सेल्फ, हार्मनी बिटवीन हेड हार्ट एंड हैंड। 3 दिन तक चले इस सम्मेलन में दिनों दिन बढ़ रही सामाजिक विकास में आने वाली चुनौतियों को अध्यात्म एवं विज्ञान के जरिए सुलझाने पर जोर दिया गया।
इस कार्यक्रम के दौरान सम्मेलनार्थियों को राजयोग ध्यान के सत्रों से भी अवगत कराया गया। बच्चों को भौतिक शिक्षा से कुछ समय के लिए निजात मिल गया है क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, परंतु ब्रह्म कुमारी संस्थान का शिक्षा प्रभाग बच्चों में मूल्यों के समावेश तथा बौद्धिक विकास के लिए समर कैंप का आयोजन कर प्रतिस्पर्धाओं के जरिए प्रेरित कर रही है। 7 दिन तक चलने वाले इस समर कैंप का आगाज कर दिया गया है, जिसमें पूरे भारत से 8 से 16 वर्ष के 2000 बच्चे भाग ले रहे हैं। वैसे तो गर्मी का समय बच्चों के लिए खुशियों का संदेश लेकर आता है, हो भी क्यों नहीं, क्योंकि पूरे वर्ष में एक ऐसा समय होता है जिसमें बच्चे मन से फ्री होकर सिर्फ इंजॉय करते हैं, क्योंकि उन्हें लंबी छुट्टियां भी मिलती हैं जिसमें वो पढ़ाई से हटकर आनंद लेने का प्रयास करते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमारी संस्थान में देश भर से आए बच्चे भौतिक शिक्षा के बजाय मूल्यों वाली शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वक्त है समर फेस्टिवल का, जिसमें बच्चों के लिए खेल खेल में प्रतिस्पर्धाओं के जरिए मूल्यों के विकास का खाका खींचा जा रहा है, ताकि उनका मनोरंजन भी होता रहे और बौद्धिक विकास भी। और यहाँ पे आके हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है और इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है हमारे लिए, ड्राइंग कंपटीशन ये सब हो रहा है, तो इससे हमारी नॉलेज भी बढ़ रही है और हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ रही है। तो हम यहाँ से खाली हाथ से नहीं जाएंगे, कुछ लेके ही जाएंगे और बहुत कुछ सीख के भी जा रहे हैं। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि जब भी बच्चों का प्रोग्राम होता है यहाँ पर सभी बच्चों को आना चाहिए, कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता है। और ये बहुत अच्छी जगह है कि अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, रिलीफ देने के लिए, बाकी जितने भी टेंशन है स्टडीज़ वगैरह की, इन सबको दूर रख के यहाँ पे एक अलग ही लाइफ जीने को मिलती है। तो मेरे को तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे बौद्धिक स्पर्धा, चाहे खेल कूद हो, चाहे रंगोली, हर कोई मूल्यों से उत्प्रोत है और बच्चे इन्हीं खेल खेल में मूल्यों के प्रति अपने मानसिक घोड़े दौड़ा रहे हैं और जीवन में एक ऐसा संस्कार भरने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में वह एक श्रेष्ठ मानव बनकर नए भारत के निर्माण में भूमिका निभा सकें। इधर आने से बहुत अच्छा लगता है, मेरा प्रोग्राम है इधर, मैं इधर डांस करूँगी, मुझे ऐसा लगता है मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी बड़े होकर, मैं सम्मान लिखती हूँ। यही कुछ उद्देश्य है इस खेल कार्यक्रम के आयोजन का, बच्चों के सर्वांगीण विकास का, जो शिक्षा प्रभाग पिछले 39 साल से करता आ रहा है। उम्मीद है कि इस खेल के जरिए बच्चों में सर्वांगीण विकास होगा और वो नए भारत के निर्माण का खाका खींचेंगे। इस शिविर का उद्घाटन संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, आबू रोड पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंदल, प्रभाग के अध्यक्ष बीके निर्वैर, ग्राम विकास प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहिनी, कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके हरीश शुक्ल की उपस्थिति में किया गया। ईश्वरी विश्वविद्यालय सारी विश्व के अंदर यह एक विद्यालय, ऐसे ऊंचे से ऊंचे विद्यालय में आप पढ़ रहे हो, तो आप कितने महान, जो दुनिया को पता ही नहीं कि ईश्वर के द्वारा कोई स्थापन किया हुआ विद्यालय भी होता है। ईश्वरी सेवा करने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, तो ऐसे महान भाग्यशाली आत्माओं के संग में आप सभी बच्चे अगर आज मिल रहे हैं, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि बच्चों का भी भविष्य बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा भविष्य है। आपकी डगर पर और धर्म की प्रेरणा पर और अच्छे संस्कारों के मूल्यों को लेकर आप जो चल रहे हैं और आप जो व्यक्तित्व विकास में आकर जो कार्य कर रहे हैं, इसका मेरे देश में आगे भी और आगे इस जरूरत पड़ेगी और आप लोग इस देश का भविष्य बनकर उभरेंगे, ऐसी मैं आज के दिन कामना करता हूँ। इस कैंप के दौरान बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर कई प्रतिस्पर्धा और खेल कूद भी आयोजित कर विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। उज्जैन से हस्त कुंभ मेले में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग राज्य मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सत्यम शिवम सुंदरम मेले का अवलोकन किया और चैतन्य देवियों की झांकी का दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर साध्वी निरंजना ज्योति ने कहा कि भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता का पाठ पढ़ाती है और भले ही हम किसी भी धर्म व समुदाय के हों, लेकिन लक्ष्य सभी का एक है। भगवान शिव जो
शरीर रहित है, निराकार है, हम लोग प्रार्थना भी करते निराकार ओंकार मोरम तुरियम, ऐसे परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का ही व्यक्ति का लक्ष्य है, और बिना उसके प्राप्त किए आदमी सुखी नहीं हो सकता, आनंदित नहीं हो सकता। तो ये किन प्रकार हर संप्रदाय व्यक्ति को आनंद देने का काम करता है, उसी में आपका भी एक संस्थान है, और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती। इस दौरान इंदौर जोन के क्षेत्रीय संयोजिका बीके हेमलता ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर तथा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू समेत अनेक सदस्य उपस्थित थे। विश्व परिवर्तन के लिए परमात्मा ज्ञान की थीम के अंतर्गत मध्य प्रदेश सारंगपुर के गुलावता में किसान सशक्तिकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस स्नेह मिलन समारोह का शुभारंभ वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जी आर अमाबतिया, वरिष्ठ कृषि अधिकारी राधेश्याम शर्मा, शासकीय स्वामी विवेकानंद कॉलेज के प्रोफेसर ए आर पाटीदार, सरपंच सुरेश कुमार संगबोई, राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, बीके विजय लक्ष्मी और बीके अरविंद समेत अनेक सदस्यों ने दीप जलाकर किया। अतिथियों ने विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अब धरती माँ की गोद में जहर अर्थात रासायनिक खादों का प्रयोग करना बंद करें तथा राजयोग और ईश्वरीय ज्ञान से स्वयं को शक्तिशाली बनाएं। वहीं अन्य विशिष्ट लोगों ने ब्रह्मा कुमारी द्वारा शाश्वत यौगिक खेती की इस पहल को सराहा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि धरती माता की गोद में जहर देना बंद करें, एक विचारों का शुद्धि करें जिसमें जो है हमारी खेती में योग आ जाए, दूसरा ये है जहर डालना मत, विचार शुद्ध होंगे तो जहर नहीं आएगा, और तीसरी बात ये है कि उपयोगी जीवों की वृद्धि। आज का जो संकल्प है, आज का जो इस कार्यक्रम रोक रखने का यही संकल्प है कि परमात्मा ज्ञान की आवश्यकता है विश्व परिवर्तन करने के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए परमात्मा ज्ञान की जरूरत है, ये बात सफल हो जाए। कार्यक्रम में कई गांव के किसानों ने शाश्वत यौगिक खेती के प्रयोग को विधिवत समझकर उसे अपनाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही नगर के कई स्थानों पर किसान सशक्तिकरण रैली निकाली गई, जिसमें सभी ने बड़े उमंग उत्साह के साथ हिस्सा लिया। यूं तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने में लगभग अभी एक महीने बाकी है, लेकिन अभी से ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कई सेवा केंद्रों द्वारा योग दिवस मनाने की शुरुआत की जा चुकी है। ऐसे में अम्बाला कैंट के दयालबाग सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उमंग उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विश्व परिवर्तन के लिए परमात्मा ज्ञान थीम के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत माता योग अभ्यास केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला तैराकी संस्थान के प्रधान राजेंद्र वीर, भारत माता योग अभ्यास केंद्र के महासचिव नरेश भारद्वाज, अम्बाला सब जोन प्रभारी बीके कृष्णा, अम्बाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर राजेंद्र विज ने कहा कि हंसना जीवन में बहुत जरूरी है और हंसने के लिए दिल व दिमाग का शांत होना आवश्यक है, जो कि संस्थान द्वारा सिखाए जाने वाले राजयोग से ही संभव है। वहीं बीके सदस्यों ने भी उपस्थित लोगों को शारीरिक व्यायाम के साथ राजयोग का अभ्यास भी कराया तथा अतिथियों को ईश्वरी सौगात भेंट कर दैवी गुण धारण करने की प्रेरणा दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा के मंगलवाड़ी सेवा केंद्र द्वारा डायमंड जुबली गार्डन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, करेलीबाग सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंपा, बीके रीता, बीके वंदना, बीके धीरज तथा मंगलवाड़ी करेलीबाग समेत अनेक सेवा केंद्रों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शारीरिक व्यायाम के साथ राजयोग का अभ्यास भी कराया। कानपुर के कल्याणपुर सेवा केंद्र द्वारा आर्मापुर स्टेट के ऑफिसर्स क्लब सभागार में जीवन में सुख शांति के लिए 8 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के समापन सत्र में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के महाप्रबंधक ए के जैन, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री के वरिष्ठ महाप्रबंधक पी सी बरनवाल, WWA के अध्यक्ष ज्योति बरनवाल, WWA में आर्मपुर के उपाध्यक्ष विनीता जैन और कोलकाता में उपाध्यक्ष स्नेहलता चौरसिया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके प्रकाश, अवधपुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम, राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति तथा बीके अनुभूति मुख्य रूप से उपस्थित थीं।
इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट लोगों ने बीके सदस्यों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया तथा सदस्यों ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के इस कलयुग में जीवन तो सभी जी रहे हैं, लेकिन सुख पूर्वक जीने के लिए परमात्मा से बुद्धि हो अर्थात राजयोग करना जरूरी है। वही सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र द्वारा आनंद पार्टी प्लॉट में 3 दिवसीय गीतों गीतों में गीता ज्ञान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संगीत संध्या का शुभारंभ वडोदरा के महापौर प्रोफेसर भरत डांगर, संसद सदस्य रंजन भट्ट, आनंद पार्टी प्लॉट मालिक मितेश ठक्कर, मंगलवाड़ी सब जोन प्रभारी बीके राज, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा, गायक बीके अविनाश ने दीप जलाकर किया। इस दौरान बीके अविनाश तथा सेवा केंद्र से जुड़े बाल कलाकारों ने 3 दिन गीतों द्वारा सभी को आत्मा परमात्मा और स्वर्ग दर्शन के ज्ञान से अवगत कराया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा ने राज्यों का अभ्यास कराया तथा अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस अवसर पर हजारों लोगों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। कौन हूँ मैं, क्या नाम है मेरा, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं परियों की शहजादी, मैं आसमान से आई। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र में नौनिहालों के लिए 10 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बौद्धिक एवं शारीरिक स्पर्धाएं रखी गयी, जिसके अंतर्गत चेयर रेस, स्पीच, ड्राइंग आदि शामिल थे। इस अवसर पर बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए लाभ लिया। वहीं बच्चों को मूल्यों परक शिक्षा देने के साथ राजयोग के महत्व से भी अवगत कराया गया। एक व्यक्ति अपने महत्व को भूल गया, तो कोई अगर गलत भी बोलता है, कोई स्वच्छता नहीं भी रखता है, कोई कुछ भी करता है, लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को अपनी गाड़ी को ठीक रास्ते पर चलाना है, मेरे को ठीक चलना है, चाहे दूसरा कुछ भी करे। शिविर के समापन सत्र में CACS इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष इरा बख्शी, समाज सेविका नीलम मुंदड़ा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील, सीनियर एडवोकेट BL महेश्वरी, सोमानी कॉलेज के रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल फुल कौर मुंदड़ा उपस्थित थे। अंत में सभी बच्चों को पुरस्कार वितरित कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। लेकिन अब ये समझना है कि राजयोग क्या होता है। राजयोग सभी योगों का राजा है। योग तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे हट योग, संन्यास योग, बुद्धि योग, पूजा योग आदि। लेकिन क्या इनमें से कोई आपको राजा बना सकता है? नहीं, राजयोग आपको राजा बनाएगा। वडोदरा के करेली बाग सेवा केंद्र पर बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंपा, बीके डॉक्टर पावलोमी, बीके आशिका, बीके ज्योति, बीके चंद्रिका और बीके गोपी समेत अनेक सदस्यों ने सहभागिता की और वैल्यू गेम्स, ड्रामा, योगा, सॉन्ग समेत कई गतिविधियों का आयोजन कर बच्चों की प्रतिभाओं का विकास करने के साथ साथ आत्मा व परमात्मा की सत्य पहचान द्वारा परमात्मा से शक्ति लेने की विधि सिखाई तथा उनमें मूल्यों का विकास भी किया गया। मेघालय के क्लियरियात में सब स्टेशन ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान शिलोंग सेवा केंद्र के संयुक्त प्रयास से निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। लोटस हाउस सेकेंडरी स्कूल में आयोजित इस कैंप में मुख्य प्रबंधक CN सिंह, डॉक्टर जितेंद्र गुरुंग, डॉक्टर मामोनी की टीम ने सभी का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हीमोग्लोबिन समेत अनेक सामान्य बीमारियों की जाँच की तथा निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की गयी। इस दौरान शिलोंग सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम, बीके पद्मावती समेत अनेक सदस्यों ने हिस्सा लेते हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हरियाणा में भिवानी के सेक्टर 13 सेवा केंद्र द्वारा स्वर्ण सिंथेटिक फैक्ट्री में वर्कर्स के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। तनाव प्रबंधन विषय पर आधारित इस कार्यशाला में नई दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष, सेवा केंद्र प्रभारी बीके आभा ने उपस्थित कर्मचारियों को बताया
के तनाव से मनुष्य की कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है, इसलिए सकारात्मक चिंतन द्वारा तनाव मुक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ सेवा केंद्र द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में तनाव मुक्त विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने पुलिस कर्मियों को तनाव मुक्त जीवन के लिए राजयोग के अभ्यास को आवश्यक बताया। इसके साथ ही कहा कि अपने कर्तव्य को राष्ट्र सेवा व जन सेवा समझ कर करें तो बोझ का अनुभव नहीं होगा। इस दौरान बीके हिमांशु ने राजयोग का अभ्यास कराया। इस अवसर पर लाइन ऑफिसर रामेश्वर, हवलदार मेजर भेरू गिरी समेत कई लोग उपस्थित रहे। देहरादून के सुभाष नगर सेवा केंद्र द्वारा बालाजी धाम मंदिर में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता बाबा बलराम दास, विधायक सहदेव सिंह पुढ़ी, डॉक्टर पीजी पंकज किशोर ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बीके नीलम समेत अनेक सदस्यों से ईश्वरीय ज्ञान चर्चा की। ऐसे ही सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता ने कहा कि परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है और आपसी प्रेम व सद्भाव से रहने के लिए आत्मिक दृष्टिकोण बनाना जरूरी है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। नोएडा के सेक्टर 26 सेवा केंद्र द्वारा दिल्ली के पांडव नगर में राजयोग मेडिटेशन एंड प्रोजेक्टर सेवा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके मनोज और बीके विकास ने उपस्थित लोगों को बताया कि स्वयं तथा परमात्मा की सत्य पहचान होने पर ही आत्मा के गुण व शक्तियां जागृत होंगी। ऐसे ही नोएडा में गौर सिटी के राधा कृष्णा पार्क में भी राजयोग मेडिटेशन और प्रोजेक्टर सेवा का आयोजन किया गया, जिसमें बीके मनोज और संस्था से जुड़ी बीके सविता ने कई चित्र प्रदर्शनी द्वारा आत्मा, परमात्मा, तीन लोक, शिव शंकर में महान अंतर जैसे अनेक विषयों की जानकारी दी, जिससे उपस्थित लोगों ने राजयोग सीखने की इच्छा जाहिर की। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। लंदन के ब्रह्मा कुमारी संस्थान ग्लोबल कॉरपोरेशन हाउस में दादी जानकी के 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 100 वुमेन ऑफ स्पिरिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम यूके में विभिन्न संप्रदाय तथा अपने अपने क्षेत्रों में आध्यात्मिकता से प्रकाशित करने वाली 100 महिलाओं को अवार्ड देने के लिए आयोजित किया गया था। इसमें गीना लेझनमी, फिलिपा ब्लैकहैम, निक्की स्लेड, बीके मोरिन, सिल्ला एल्वर्थी, बेनिस डॉली मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस अवसर पर वेन वुमेन अवेकन माउंटेन्स मूव विषय पर चर्चा की गई। इस दौरान बीके मोरी ने कहा कि एक दूसरे के सहयोग से काम करने पर दैवीय शक्ति बढ़ेगी, जिसके लिए हमें महान लोगों के बीच में रहना जरूरी है। अंत में नॉमिनेट किए गए लोगों को बीके मोरिन और बीके चारू ने दादी जान के अवार्ड से सम्मानित किया। चीनी गणवादी राज्य की राजधानी बीजिंग में भारतीय दूतावास के मिनिस्टर डिप्टी चीफ ऑफ मिशन डॉक्टर बालाबी भास्कर से ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, सिकंदराबाद से बीके सत्यनारायण, चीन के संयोजिका बीके चेन डेंग समेत संस्था से जुड़े अन्य लोगों ने मुलाकात की और बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। ऐसे ही बीजिंग में पाकिस्तान दूतावास के काउंसलर शोजब अब्बास से भी सदस्यों ने मुलाकात की और संस्था द्वारा विश्व में की जा रही सेवाओं की जानकारी देते हुए मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ऑन द वे टू परफेक्शन विषय पर नेशनल रिट्रीट का आयोजन किया गया, जिसमें स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस और स्पेन जैसे कई स्थानों से लोग शामिल हुए। इस दौरान द न्यू चैलेंजेस ऑफ द कन्फ्लुएंस एज, हाउ टू प्रिपेयर द न्यू सिविलाइजेशन जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ राज्यों शिक्षिका बीके डेनिस ने बताया कि किस तरह से सिद्धांत व मूल्यों के आधार पर कलयुग में जीवन को सुखदायी बनाया जा सकता है। वहीं परमत और श्रीमत के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है
www.gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.gwspeacenews.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।